बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र के भाई वीरेंद्र सिंह के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। इसके पीछे की वजह है कि 80 के दशक में वीरेंद्र सिंह की शूटिंग के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ था जो वीरेंद्र सिंह को अपनी जान गंवानी पड़ी? 80s में वीरेंद्र सिंह पंजाबी सिनेमा के बहुत बड़े सुपरस्टार थे। ऐसा समझ लीजिए कि वो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के बादशाह थे। वो एक बेहतरीन एक्टर होने के साथ साथ सक्सेसफुल डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी रहे। आलम यह था कि हर डायरेक्टर वीरेंद्र सिंह को अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहता था। अपने 12 साल के फिल्मी करियर में वीरेंद्र सिंह ने करीब 25 फिल्में बनाईं और ये सभी ब्लॉकबस्टर रहीं। ऐसा नहीं है कि वीरेंद्र सिंह ने सिर्फ पंजाबी ही फिल्में बनाईं। उनकी बॉलीवुड फिल्म खेल मुकद्दर का और दो चेहरे हिंदी सिनेमा की बेहतरीन फिल्मों में से एक हैं। वीरेंद्र सिंह ने अपने करियर की शुरुआत 1975 में आई फिल्म तेरी मेरी एक जिंदड़ी से की थी। इस फिल्म में उनके भाई धर्मेंद्र भी नजर आए थे। इधर वीरेंद्र का ग्राफ बढ़ रहा था, उधर उनसे चिढ़ने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। 1988 की बात है, उस वक्त वीरेंद्र सिंह फिल्म जट दे जमीन की शूटिंग कर रहे थे। पंजाब का माहौल उन दिनों बहुत खराब था, अक्सर गोलीबाजी हो जाती थी। वीरेंद्र सिंह को साफ हिदायत दी गई थी कि ऐसे माहौल में वो शूटिंग ना करें, लेकिन वो नहीं माने। शूटिंग के दौरान सेट पर कुछ लोग आ धमके, उनके हाथ में हथियार थे। वीरेंद्र सिंह गर्म खून के थे, उन्होंने आतंकियों से भिड़ने की कोशिश की, लेकिन आतंकियों ने उन्हें गोलियों से भून दिया। 31 साल बाद उनका बेटा उन पर बायोपिक बनाने जा रहा है। इस फिल्म में वो सब दिखाया जाएगा जो वीरेंद्र सिंह के साथ हुआ था।